नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहां हम बना रहे हैं 51 दिन 51 रेसिपीज। आज है दिन 17 और हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी, जो है एक क्रीमी डिलीशियस कैरेमल फ्रैपेचिनो। ये आपने बड़े से बड़े कैफे में जैसे कि स्टारबक्स या सीसीडी में एंजॉय की होगी। सबसे पहले हमने शुगर बेस तैयार किया है। इसके लिए लिया है हमने एक कप चीनी और एक कप पानी। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके हाई फ्लेम पर बॉयल कर लेंगे, जब तक चीनी मेल्ट ना हो जाए। जैसे ही चीनी पिघल जाए, इसमें हम डालेंगे 2 से 3 ड्रॉप वनीला एसेंस की और इसे अच्छे से मिक्स करके इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इस शुगर बेस को किसी कंटेनर में डाल लीजिए और उसके बाद इसको फ्रिज में रख दीजिए। ये 20 से 25 दिन तक खराब नहीं होगा। अब हम बनाएंगे कैरेमल सॉस। इसके लिए हम एक कढ़ाई में 1 कप चीनी और 1/4 कप पानी डालेंगे। इसे मीडियम फ्लेम पर रख के बिना हिलाए पिघलने देंगे। धीरे धीरे चीनी पिघल कर गोल्डन ब्राउन होने लगेगी। अब इसे हल्का हल्का शेक करें। जैसे ही इसका रंग कैरेमल कलर पर बदल जाए, इसमें हम ऐड करेंगे 4 क्यूब्स बटर की। इस टाइम पर आपको लगातार हिलाना पड़ेगा ताकि कैरेमल स्मूथ रहे। जब कैरेमल थिक हो जाए, तब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप फ्रेश क्रीम या मलाई और इसे भी लगातार हिलाते रहें ताकि कैरेमल स्मूथ रहे। अब गैस को बंद कर दें और इसमें हम ऐड करेंगे अब 1/2 चम्मच वनीला एसेंस का और थोड़ा सा नमक स्वाद के लिए, जिससे इसका फ्लेवर और एनहांस हो जाएगा। ये लो, हमारी कैरेमल सॉस रेडी है। अब हम बनाएंगे एक क्रीमी रिफ्रेशिंग कैरेमल फ्रैपेचिनो। मिक्सर ग्राइंडर में सबसे पहले डालेंगे थोड़ी सी आइस क्यूब, 3 चम्मच शुगर बेस के जो हमने बनाया था, 2 चम्मच कैरेमल सॉस के, 1 चम्मच कॉफ़ी और 1/2 कप दूध। सब कुछ अच्छे से ब्लेंड करेंगे। 20 से 30 सेकंड तक ब्लेंड करें, जब तक सब कुछ स्मूथ और फ्रोथी ना हो जाए। अब अपने गिलास में डालें थोड़ा सा कैरेमल सॉस और उसके बाद डालें चिल्ड फ्रैपेचिनो। देखा आपने कितना सिंपल है इसे बनाना। वाओ, ये कैरेमल फ्रैपेचिनो बिल्कुल कैफे स्टाइल टेस्ट कर रहा है। आप भी घर पर ट्राई करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी कुकिंग।